क्या कुछ चल रहा है वहां पर, भीड़ बढ़ती जा रही है, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, और कौन नेता पहुंचे हैं? चुके हैं पहले ही यहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी के आशीष शेलार, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि वो राज्य के गृह मंत्री भी है। इस घटना के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि खुद गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब लीलावती हॉस्पिटल जो है पहुंचकर यहां पर जायजा लेने आए, स्थिति का जानकारी लेने आए कि आखिरकार कौन है इस घटना के पीछे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंच गए हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है। दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वो मुंबई से इस समय बाहर हैं। आज रात ही वो मुंबई वापस पहुंच रहे हैं। जैसे ही बाबा सिद्दीकी पर हमले की और उनकी मौत की खबर उन्हें मिली, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए और वो वापस मुंबई पहुंच रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के लीलावती अस्पताल की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वो बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले थे और बाहर निकलते ही उन पर बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें बाबा सिद्दीकी के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं।